नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से है हमारे ब्लॉग चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास है उषा कंपनी की एक ब्लॉक किट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप ये उषा का पिस्टन असेंबली किट देख सकते हैं और यहाँ पर जो लिखा है हीरो स्लिक SSCD 100। और आप जो है इसको अपने स्प्लेंडर, पैशन प्रो, इन सब जो ये 100cc की बाइक होती हैं हीरो की, इनमें सभी में दोस्तों इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी प्राइस लिस्ट है वो है 1730 रुपये। पहले दोस्तों इसकी जो MRP थी वो 1630 रुपये थी, अब 1730 रुपये है। और अब जो लेटेस्ट है वो उसकी 1770 रुपये लिस्ट है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो है अभी दोस्तों मेरे पास कुछ दिन पहले आई है और अब जो नई लिस्ट आ रही है तो उसकी 1770 रुपये लिस्ट आ रही है। मैं पहले ही आपको बता दूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पिस्टन एक है, पिन एक है, रिंग्स इसमें 5 है, सरक्लिप जो हमारे लॉक होते हैं वो एक है, और सिलेंडर ब्लॉक किट जो है ये इसके अंदर एक है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके अंदर आपको जो हूँ इसके अंदर मैं रिंग फिट करके दिखाऊंगा किस तरीके से दोस्तों मैं जो हूँ किसी भी बाइक के अंदर ये रिंग इंस्टॉल करता हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है आपको कुछ इस टाइप से नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये हमारी ब्लॉक किट हो गई और यहाँ पर ये जो है इसके अंदर एक पिस्टन है जो है भाई उषा कंपनी का, तो आप देख सकते हैं। तो इस बॉक्स में साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर आप लिस्ट को याद रखें, 1730 पहले है, इससे पहले 1630 रुपये थी और अब जो है 1770 रुपये नई लिस्ट है। और अब शायद आगे भी दोस्तों इनकी लिस्ट जो है आगे बढ़ सकती है, ये आप याद रखें। तो चलिए इसको रखता हूँ साइड में। यहाँ पर ये हमारी ब्लॉक किट, ये उषा की पिस्टन असेंबली किट है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर एक कैप दी गई है, इसको हम हटा लेते हैं। और इसके पास जो इसके अंदर ये पैकिंग है, यहाँ पर एक पोलोथीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है दोस्तों क्रॉस बोरिंग किया हुआ है। तो कोई भी दोस्तों बाइक होती है, अगर हम उसकी ब्लॉक किट को डालते हैं ना, या हम मान लो खराद वालों से दोस्तों बोर कराते हैं, तो वहाँ पर उसके अंदर जो है दोस्तों ये क्रॉस बोर ही करवाते हैं। तो यहाँ पर आप इसके अंदर ये हल्के हल्के स्क्रैचेस दे सकते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों क्रॉस बोर कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये श्री राम की एक बेजिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, ये इस पर श्री राम की बेजिंग है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है, जैसे कि ये हमारी ब्लॉक किट होती है ना उषा की, तो यहाँ पर जैसे चलिए ये श्री राम का जो है होलोग्राम है एक, जो यहाँ पर बैजिंग दी गई है, इसको जो है कंपनी ने यह तो यहाँ पर देना चाहिए था, यहाँ पर या फिर ऐसी जगह पर जैसे कि हीरो की ये लिखी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये आसानी से पता लग जाता है कि जैसे ये एस्कॉर्ट की होती है हीरो की, तो उनके यहाँ पर ही लिखा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे ये इसमें एक दिक्कत लगी, इससे हमें ये नहीं पता लगता कि ये कौन सी वाली ब्लॉक किट है, किस कंपनी की है। तो चलिए ये तो कंपनी की सोच है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारा पिस्टन है उषा कंपनी का, सबसे पहले मैं जो हूँ उसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको कट करने के बाद इस पिस्टन को बाहर निकालता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक आरी का ब्लेड होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। याद रखिए आप इसको थोड़ा थोड़ा ही काटें, ज़्यादा नहीं, अंदर जैसे रिंग वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर ये इसके अंदर रिंग्स हैं, इसके लॉक, यहाँ पर एक इसमें वारंटी लिखा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी होती है कैसे आप इन रिंग को डाल सकते हैं। इसको रखता हूँ मैं साइड में, अब इसकी पिन को बाहर निकाल लेता हूँ। ये इसकी पिन हो गई, अब पिस्टन देखते हैं भाई इसके अंदर से कौन से वाला निकलागा। आप पिस्टन को चेक करते हैं भाई, यहाँ पर भी आप ये श्री राम की बैजिंग देख सकते हैं, ये इसका पिस्टन है। यहाँ पर आप ये STD लिखा हुआ देख सकते हैं, STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जो हमारा 0 नंबर होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर आप ये GN5 देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो पिस्टन होता है ना, इसकी मुझे एक खासियत लगती है, जैसे कि हमारा स्प्लेंडर बाइक का पिस्टन होता है ना, और वो इतना होता है, ठीक है, छोटा होता है इससे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस पिस्टन को डालेंगे ना उस बाइक में, स्प्लेंडर बाइक में, तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। ये दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब वो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी छोटी चीज़ होती है वो जल्दी घिस जाती है, जैसे हमारे चैन सेट की फ्रंट स्प्रोकेट होती है वो जल्दी घिस जाती है, और अगर मान लो जैसे छोटा पिस्टन होता है वो जल्दी ही साउंड करने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका रीज़न होता है। तो इसका रिजल्ट दोस्तों ज़्यादा होता है उस छोटे वाले से, ठीक है, ये आप याद रखें। यहाँ पर पिकअप का इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप इसमें छोटा डालें या बड़ा डालें, मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए अब आपका टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये उषा लिखा हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पर GN5 HF, यहाँ पर आप देख सकते हैं HF जो है अब ये हीरो का हमारे हिंदुस्तान का जो है ये अब इसमें मार्का आ चुका है। पहले यहाँ पर जो था CD था वो CD जापानी था, लेकिन HF जो है दोस्तों ये हीरो अब इस्तेमाल करती है, क्योंकि जो आपने देखी होगी वहाँ पर हमारी CD 100, CD Relux, CD Don बाइक आती थी ना, तो वहाँ पर वो CD का नाम था, वो जापानी था, लेकिन जापान ने वो अपना वापस ले लिया है नाम, और अब यहाँ पर जो है HF का नाम आ चुका है, जैसे HF Don, HF Deluxe, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले मैं इसके लॉक को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर लॉक डाल लेते हैं। देखिए जब भी हम दोस्तों लॉक डालते हैं ना, तो ये हमारा इन भाग है और ये हमारा एग्जॉस्ट भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे हमारी ये पिन है, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जब हम ये पिन डालते हैं ना, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर पिन डाल दी, तो यहाँ पर कुछ बाइकों मान लो यहाँ पर इन या एग्जस्ट नहीं लिखा होता है, ना ही यहाँ पर एरो का निशान होता है, तो उसको हम कैसे पता लगाएं। तो ये जो हमारा भाग होता है ना, ये टाइट होता है, देखिए यहाँ पर जब हम इसमें फिंगर डालते हैं और यहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर ये लूज़ है और यहाँ पर ये टाइट है। आप इसको जो है एक आपके पास वर्नियर क्लिपर होता है ना, उससे भी पता लगा सकते हैं। यहाँ का गैप आपको कम दिखाई देगा और यहाँ का ज़्यादा, तो ये कम गैप वाला इनलेट भाग होता है और ज़्यादा वाला ये एग्जॉस्ट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है, जैसे कि हम इसकी लेफ्ट साइड में बैठते हैं ना, इसको फिट करते हैं, तो मैं इसकी राइट साइड में ये लॉक डाल लेता हूँ। तो आपने इसको लॉक को कैसे डालना है, यहाँ पर जब अभी जो है मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूँ, आपने जो है इसको एक साइड से ऐसे लगा देना है, ठीक है। एक साइड में जैसे ये इस कट में गया और दूसरी साइड से आप इस पेंच को ऐसे कर दें, तो यहाँ पर जैसे आपकी ये साउंड आएगी ये लॉक लग जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ये लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर इसके रिंग को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप ये 18/3/2021 की इस पर ये डेट है, तो डेट तो आपको पता है कि थोड़ी पहले ही होती है, मेन प्रिंट तो बाहर की होती है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर दोस्तों जो रिंग होते हैं ना, इनके अंदर ये नाम मात्र ही गैप होता है। सबसे पहले मैं जो हूँ आपको इस पिस्टन को चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर पिस्टन कितना टाइट है, वो देखिए टाइट जा रहा है जैसे हम बोर कराते हैं। और जो हीरो का होता है ना, हीरो को अगर आप ऐसे ही डालेंगे ना, तो वो ऐसे ही नीचे चले जाएगा, ठीक है, उसका पिस्टन काफ़ी लूज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसकी खासियत होती है, इसके अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर अब ये हमारे रिंग है, और चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा। यहाँ पर दोस्तों जब हम इस रिंग को चेक करते हैं इसमें, ठीक है, जो दोस्तों इसके ये कंप्रेशन रिंग होते हैं और ये ऑयल रिंग होते हैं, तो इनके अंदर ये सेविंग ब्लेड के जितना ही गैप मिलना चाहिए, ठीक है, और ये इनके अंदर इतना ही होता है, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर इनसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वो जो रिंग है ना, वो ज़्यादा अपना रिजल्ट नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपने जो है इसके रिंग को किस प्रकार से फिट करना है ये मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप इसके एक्सपेंडर रिंग को देख सकते हैं, तो ये हमारा जो है इनलेट भाग है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, इसको एम शेप में आपने लगाना है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ ऐसे। तो ये आपने जो है, ये हमारे अंदर जो है देखिए कट हैं, चार अंदर है, चार बाहर हैं, तो जो हमारा ये बीच का सेंटर का हिस्सा है ना, इसको आपने यहाँ पर रख देना है। ये कट हमारा इस कट के बीच में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारे ऑयल रिंग होते हैं, ये हमारे ऑयल रिंग है, यहाँ पर देखिए आप इनको चेक करेंगे ना, तो ये एक साइड में मूव करेंगे, तो इस साइड में ये मूव कर रहे हैं, तो आपने इस साइड को ना इसको ऐसे रखना है, और जो दूसरे वाला है उसको ऐसे नीचे रखना है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये मूव जो है ना ऊपर कर रहा है, ठीक है, ऐसे मैंने पकड़ रखा है इसको, और अगर मान लो इसको आप ऐसे पकड़ दें तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो आपने जो है इसको ऐसे लगाना है, देखिए, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको लगाना कैसे है, आप यहाँ पर जो है इस लाइन में एक छेद देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये होल है, एक ये है और एक इसकी साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है इसको ऐसे लगा देना है, जो रिंग होते हैं इनको आपने बड़े प्यार से लगाना है। ये हमारा एक्सपेंडर आ गया सेंटर में, और इस होल के ऊपर ये ऑयल रिंग आ गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये दूसरे वाला लेता हूँ मैं, यहाँ पर जो ये दूसरे वाला है इसको भी आप चेक कर लें एक बार, ठीक है, देखिए ये जो है इस साइड में मूव कर रहा है, तो आपने जो है इसको ऊपर से नीचे लेके आना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस साइड में हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पर, ये आप ये इसके यहाँ पर होल देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इसको ऐसे लगा देना है, इस होल के ऊपर
कर देना है। भाई मैं जो हूँ आप लोगों के साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जैसे मैं रिंग डालता हूँ, और दोस्तों इनकी लाइफ जो है 50,000 से 1,00,000 के बीच होती है, तो वैसे दोस्तों आप डाल के देखें आपको भी ऐसे ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और एक बात, मैं ये जो रिंग डालता हूँ ना भाई सभी बाइक में एक जैसे ही डालता हूँ, किसी बाइक में ये मैं अलग नहीं डालता हूँ। इसके पीछे भी दोस्तों एक साइंटिफिक रीजन होता है कि क्यों हम इन रिंगों को इनलेट और एग्जॉस्ट भाग में ही क्यों डालते हैं। अगर दोस्तों हम इनका मुंह जो है साइडों में करेंगे तो वहाँ पर क्या नुकसान होगा। दोस्तों इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इन रिंगों का हम मुंह इस साइड में क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने रिंग डाल दिए, ये यहाँ पर हमारे एक्सपेंडर रिंग हो गए, तो ये हमारा जो है टॉप 2 रिंग हो गया, ओशा लिखा हुआ है इसके ऊपर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है इस रिंग को भी ना, ये हमारा एग्जॉस्ट भाग है, और आपने जो है इसको जहाँ पर मैंने ये होल दिखाया ना, तो यहीं पर आपने इसको ऐसे लगा देना है, बड़े प्यार से लगाना है आपने, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, और दूसरा आप इसको चेक कर लें, इसके ऊपर ये टॉप 1 टॉप 2 लिखा होता है, इनको आपने ऊपर ही करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये ऊपर आना चाहिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये हमारे जो है इसके अंदर ये रिंग डल गई। अब ये मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो हमारे पास ये ऑयल है, जो ये ऑयल है आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा लगा दें, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है ये लुब्रिकेट अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर ये ऐसे डाल दिया, तो ये हमारा जो है इसका देखिए इनटेक भाग है, ये इसका एग्जॉस्ट भाग है यहाँ पर। तो रिंगों को आप एक बार सेट कर लें, आपने रिंग घुमाने की जरूरत नहीं है, आप इनको थोड़ा ऐसे दबा लेना, ये ऑयल अपने आप इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर रिंग है, आप इनको थोड़ा सेट कर लें एक बार, अगर थोड़े बहुत घूम जाते हैं, ये सेट हो गए हमारे। अब ये हमारे रिंग हो गए, ये इनटेक भाग है, यहाँ पर एक्सपेंड रिंग बीच में आ गया, और जो ऑयल रिंग है एक का मुँह यहाँ पर है, जो यहाँ पर ये एक अंदर होल है ना, और एक का मुंह यहाँ पर जो इसके अंदर ये होल है, यहाँ पर जो इसके अंदर ये होल दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इसी तरह अंदर है, ठीक है। जो अंदर ले वाले होल होते हैं उनके सीध में दोस्तों मैं ये रिंगों का मुंह करता हूँ, ठीक है, ये आप याद रखें। तो ये इसका इधर है और ये इसका इधर है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप ये मैं चक्कर में पड़े कि यहाँ से ऑयल आता है, भाई यही एक साइंटिफिक रीजन होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनका भी दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आपने इसको ना ऐसे रख लेना है, ठीक है, ऐसे आपने थोड़ा इसको दबा देना है अपने फिंगर से। तो अब आपने क्या करना है, जो आपका ये कंप्रेशन रिंग होता है आपने इसको साइड से अंदर करना है, देखिए मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अंदर की तरफ दबाना है थोड़ा इसको, आपने इसको ज़बरदस्ती से नहीं दबाना, कभी आप इसको ख़राब कर दें, यहाँ से कई बार क्या होता है रिंग वगैरह मुड़ जाता है तो वो आपका नुकसान होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपने ऐसे ही करना है, इसको थोड़ा यहाँ से दबाना है, ठीक है, आपने इसको सिर्फ ये साइड ही दबानी होती है। अब यहाँ पर ये देखिए कितनी आसानी से इसके अंदर चला गया। अब देखिए मैं इसको अपने दोनों अंगूठों से ना नीचे प्रेस करता हूँ, तो अब देखिए पिस्टन जो है कितना टाइट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वालिटी होती है ऊषा कंपनी के ब्लॉक किट की, इसके अंदर जो पिस्टन है ना बोर होता है वो काफ़ी टाइट होता है, तभी दोस्तों इसका रिजल्ट बेस्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 2-4 बार ऐसे अप डाउन कर लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर ये हमने रिंग डाल दी। तो यहाँ पर ये इसका इंटेक भाग है, ये इसका एग्जॉस्ट भाग है, ठीक है, और ये यहाँ पर हमने इसको ऐसे फिट कर दिया। अब दोस्तों मैंने जो है इसको एक बाइक में डालना है, तो सोचा मैंने आपको इसकी एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखाई जाए इसके अंदर हम कैसे रिंग डालते हैं। तो दोस्तों ये इसमें एक जानकारी थी जो मैंने आज आपको दी, तो ये ऊषा कंपनी की जो ब्लॉक किट थी तो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की है, तो मैंने यहाँ पर जो है इसकी अनबॉक्सिंग की है और उसके अंदर आपको रिंग डाल के दिखाई। तो दोस्तों मैं जो हूँ किसी भी बाइक के अंदर इस टाइप से ही रिंग डालता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल पर पहली बार हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।